हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन आज ना हम थोड़े से बढ़िया नहीं है। तो जी यहाँ पे हमारी चूचू थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आपको मैं बताती हूँ चूचू क्यों ठीक नहीं है। तो पहले तो चूचू का यहाँ देख लीजिए, तो ये देखिए चूचू का ना प्लास्टर लगा हुआ है साथ में। तो अभी मैं आपको बताती हूँ इसको क्यों लगा ये प्लास्टर जी। अभी पिछले संडे को ना मैं इसको और मुकुल को लेके पार्क में घुमाने के लिए जा रही थी, और हुआ ऐसे मैंने इसको ना रेडी किया, और रेडी करके मैंने मुकुल को और इसको नीचे आंगन में भेज दिया। मैं कहा मैं आ रही हूँ और तुम नीचे चलो। पार्क में जाने के लिए इतनी खुश हो रही थी, ये नीचे ना खेलने लगी और मतलब भाग दौड़ कर रही थी खुश हो। तो जी ये गिर गई, और गिरी ऐसे कि ये ना इस हाथ के ऊपर इसका सारा वजन टिक गया, और इसको ना इस जो ये हाथ की कोहनी है ना इसमें फ्रैक्चर हो गया है। तो पहले तो मैंने सोचा इसको नॉर्मली ऐसे ही चोट लगी। तो यहाँ पे ना पड़ोस में आंटी है, वो मालिश वगैरह कर देती है, जैसे हड्डी वगैरह सरक जाती तो वो चढ़ा देती। तो मैं उनसे इसकी थोड़ी सी मसाज करवा के ले आई थी, और संडे भी था तो मैं हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकी इसको, क्योंकि संडे था तो मैंने सोचा सभी हॉस्पिटल बंद होंगे। वैसे तो इमरजेंसी में मिल जाते डॉक्टर, लेकिन इतना मतलब मैंने इतना नहीं सोचा था कि इसको फ्रैक्चर आ जाएगा। तो मैंने सोचा ऐसी थोड़ी बहुत इसकी हड्डी कच्ची है तो सरक गई होगी। इसको ना फिर सोजन आ गई, तो काफी सोजन आ गई। कच्ची पकी रोटी बना के और उसके ऊपर हल्दी तेल लगा के गर्म पट्टी से यहाँ पे बांध दिया, और वो बांधने के बाद ना फिर ना इसको मैंने दर्द की दवाई दे दी मंगवा के मेडिकल से। सारी रात नहीं सोई, ना मैं सोई, ना ये सोई, ना इसके पापा सोए, क्योंकि ये रो रही थी, इसको दर्द हो रहा था तो इसको नींद नहीं आ रही थी। तो अगले दिन मंडे को हम सुबह 10 बजे इसको हॉस्पिटल में लेके गए हड्डी वाले डॉक्टर के। तो उन्होंने इसकी पर्ची वगैरह बनाई और इसके एक्सरे किए, तो उन्होंने फिर इसका एक्सरे देखा, तो उन्होंने बताया हमें कि भाई इसको जोड़ में फ्रैक्चर हुआ है, कोहनी का जो जोड़ होता है उसमें फ्रैक्चर हुआ है। तो फिर उन्होंने ये प्लास्टर बांध दिया, और फिर वो बोले कि ना इसके काटे ना 3 दिन बाद एक्सरे करेंगे, आराम लगेगा तो इसको मतलब ऐसे ठीक हो जाएगी, वरना तो फिर ऑपरेशन बोला डॉक्टर ने। तो अभी देख, अभी दूसरा दिन है, मंडे को दिला के लाई थी, तो आज मंगलवार है, तो इसको हम परसों फिर से लेके जाएंगे, तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। और ऐसे नहीं करते, या तो बुधवार को या फिर बृहस्पतिवार को बोला डॉक्टर ने इसको वापस दोबारा से लेके आना, इसका ना फिर से एक्सरे होगा, और फिर वो बताते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो ये ना बिल्कुल भी शरारती भी नहीं है, फिर भी पता नहीं इसको कैसे चोट लग गई बाबू, बस जिद्दी करती है, शरारत बिल्कुल भी नहीं करती, फिर भी इसको चोट लगी। तो ये ना खुशी के मारे ये नीचे भाग रही थी कि मुझे आज काफी दिनों बाद मैं इसको पार्क में लेके जा रही थी, इसलिए ये ना खुश हो रही थी पार्क में जाने के लिए। चूचू की आज लीव पहुँचा दी है स्कूल में, मैंने इसकी वैसे 21 दिन का बोला है डॉक्टर ने प्लास्टर, 21 दिन बाद खुलेगा। मेरी बेटी की पढ़ाई भी खराब होगी और दर्द भी हो गया मेरे बच्चे को। तो जी इसके ना राइट हैंड में लगी है, और ना इसको अब राइट हैंड से ही ये लिखने पढ़ने का राइट हैंड से ही करती है, तो वैसे लगभग सभी बच्चे राइट हैंड से ही करते, कोई कोई बच्चा लेफ्ट ही होता है, तो हमारे जैसे मुकुल हमारा लेफ्ट ही है, तो चूचू तो राइट से ही करती है। तो अभी ना चूचू की पढ़ाई वगैरह भी काफ़ी ख़राब होगी, वैसे मैंने इसके 20 डेज के लिए पहुँचा दी स्कूल में, तो अभी देखते हैं चूचू हमारी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो जी आप सब हमारी फैमिली हो, तो मैं आप सबके साथ सारी बातें शेयर करती हूँ, तो ये भी बात मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। तो जी आप सब लोग भी प्रे करना मेरी चूचू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मेरी चूचू का ऑपरेशन ना हो और ये ऐसे ही जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, देखो रो रही है, ये बोल रही है मेरे को दोबारा नहीं जाना हॉस्पिटल में, नहीं लेके जाते बाबू। तो जी अभी ना दिन का खाना बना रही हूँ, तो दिन के खाने में ना अरबी की सब्जी बना रही हूँ, अरबी को फ्राई करके और फिर बनाऊंगी, अरबी की सब्जी बना रही हूँ। और ये देखो इधर आटा लगा के छोड़ दिया, अरबी को ना फ्राई करके फिर बनाऊंगी, इसकी जो चिपचिपी सी लार निकलती है ना वो नहीं निकलती फिर इस सब्जी में, तो इसलिए मैं ना फ्राई करके बना रही हूँ। और ना चूचू देखो क्या कर रही है, चूचू खेल रही है, ये देखो खेल गए, इसको ना इसी तरह रखना इस हाथ को, वैसे तो इसको ऐसे एक्सरसाइज भी करवानी है ऐसे ऐसे, और बाकी हाथ को इसी तरह रखना है, इसको हिलाना नहीं है ज़्यादा। तो खेल रही है, मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है बाबू, अभी आपको खाना खिला के फिर दवाई दूंगी। खाना तो बना लिया मैंने, और अभी ना चूचू को खाना खिलाऊंगी और उसके बाद दूंगी चूचू को मैं दवाई, तो चूचू को खिलाते हैं देखो दही और रोटी। और एक चीज़ और आपको दिखा देती हूँ मैं, देखिए प्रधान जी लाए कबूतरों के लिए बादाम, क्योंकि वो बादाम खत्म हो गए थे। कितने लेके आए हो? दो।
दो किलो। उसके बाद देखो मोटे मोटे लेके आए तो कितने दिन में खुआ दोगी? ये 10 दिन में खुआने हैं। इतने तो बाजी के पैसे, इतने तो बाजी में ही सारी जरूरत घोड़ी नाम की जरूरत अपन है बताओ, इतने तो हम जीते ही कुनगे बाजी में पैसे और पैसे की जरूरत ही कुनिया पर सिर्फ नाम नाम चलना चाहिए। तो देखो जी, इतने तो हम बाजी में भी कौन जीतेंगे जितने की प्रधान जी कबूतरा ने बादाम चुगा देंगे। तो ये देखो प्रधान जी का आ गया खाना। आपको एक ही बात बता दी है, मेरे को ना पैसे की जरूरत नाम की जरूरत है, मैं बच्चों की दरिया पालू। ठीक है, देखिए चुचू ने खाना खा लिया और इतनी आधी रोटी खाई है और ये दही सारा खा लिया, थोड़ा सा छोड़ा है। और अभी ना चुचू को देंगे दवाई, 2 बोतल है इसकी दवाई की, और ये वाली तो एक टाइम लेनी खाना खाने के बाद, और जो दूसरी वाली है वो सुबह दे दी मैंने, शाम को देनी है। तो अभी ये वाली दे देते हैं चुचू को। चुचू दवाई दे दो, बहुत मुश्किल से लेती है दवाई। 5 ml देनी, जल्दी सारी फिनिश करनी। ये देखो वेरी गुड, चुचू ने दवाई ले ली। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चुचू के लिए प्रे करना कि हमारे चुचू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बाय बाय फ्रेंड्स।